Bharat Ratna for Madan Mohan Malviya has brought much needed cheer to his granddaughter who has been living for the past 13 years in an old age home. And NIS caught up with Vijaya Parikh for this exclusive interview where she said it's great to know that people still remember the freedom fighter and founder of BHU. Bharat ek badi cheez hai, bahut khushi hui jaan ke aur kab mila isse koi matlab hi nahi hai, mil gaya hai bahut khushi hui, agar वो होते तो कोई बात नहीं थी, कोई सवाल नहीं. अब तो बहुत दिन हो गए, फिर भी याद किया, दे दिया, अच्छा लगा. तो हम लोग, हमसे क्यों होगा भाई, बहुत बड़ी, देखिए बहुत बड़ी फैमिली है, कोई एक दो तो है नहीं. और वो ये नरेंद्र मोदी जो है, इनका जब वो नॉमिनेशन भरा था अपना, तो मेरा कज़न है इलाहाबाद में, रिटायर्ड जज गिरधर मार गया, वो उनके संग गया था. वो तो इसलिए, वो क्योंकि बनारस यूनिवर्सिटी से उन्होंने वो किया था ना, कनेक्टेड है, इसलिए वो वही जानता, वही है ये. तो मतलब बचपन से साथ में रहे और देखा, तो सारी बातें याद आ रही हैं. सब पूछिए तो मैं इतनी याद है इतने बचपन से, कि जब सुनते थे कि आने वाले हैं इलाहाबाद, तो हम लोग वहाँ क्रॉसिंग तक पहुँच जाते थे. बाबूजी प्रणाम, बाबूजी, हम लोगों ने बाबूजी कहते थे ये करते हुए, कि अरे बाबूजी, और कुछ नहीं, बस उनके पास गए, प्रणाम किया और चले आए बस, क्योंकि उन्हें इतने टाइम ही नहीं रहता था कि बात करेंगे ज़्यादा, कि मैं बनाऊंगा, क्योंकि एजुकेशन से ही हमारा देश आगे बढ़ेगा. और एजुकेशन ये जो दे रहे हैं, ये कोई एजुकेशन नहीं है, तो अपना अपने मतलब के लिए बना रहे हैं क्लार्क. तब से जब से सोचा था, इतनी वकालत इनकी बहुत चलती थी उस ज़माने के, 1.5 लाख कमाते थे महीने में, तो वो उसमें हम लोगों को सब को कह रखा था. हमारे फादर ने भी सबको मालूम था कि हमें, हमारे लिए पैसा नहीं है, बस ज़रूरत के लिए, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब मिलेगी, बाकी पैसा बहुत लोग हैं इसके अधिकारी, इसलिए हम उसको नहीं कहते थे. और अगर हम लोग कभी रंगीन कपड़े पहन के उनके सामने नहीं जाते थे, बिल्कुल सफ़ेद नहीं पहन सकते थे, मगर ऐसे प्रिंटर तो मैं उनके सामने कभी नहीं पहनती. तो वो सादगी शुरू से मन में भरी हुई है, कि सादगी चाहिए. 13 साल से यहाँ, मतलब अब यहाँ आप हैं, कैसे बिताती हैं अपनी जिंदगी, कैसा लगता है? अरे समय बीतने में कुछ देर नहीं लगती यहाँ. अब देख रहे हो प्रोग्राम कितने हो रहे हैं, प्रोग्राम भी बहुत होते रहते हैं. और हम लोगों का बंधा हुआ है, मतलब कि इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने हम लोगों के सुबह शुरू हो जाती है 6:30 बजे टी, बेड टी सबके कमरों में दिया जाता है, फिर 8 बजे नाश्ता पानी, वो हम लोग यहाँ हॉल में करो या ले जाओ, फिर ये 12:30 बजे लंच, फिर 4:30 बजे चाय, और फिर 7 बजे 7:30 बजे डिनर. तो बहुत टाइम तो उसी में लग जाता है, फिर अपना भी काम करते रहते हैं. प्रोग्राम ऐसे है ना, कि जैसे हफ्ते में 4 दिन तो हमारा फिक्स प्रोग्राम है ही, 2 दिन हवन होता है, उसमें मैं ही पढ़ती हूँ, भवन करती हूँ, और 2 दिन, 1 दिन हम लोग अपना करते हैं भजन कीर्तन, 1 दिन और बाहर के लोग आते हैं वो करते हैं भजन कीर्तन. तो इसलिए समय बड़ा थोड़ा बचता है ऐसे बातें. पावर्ड बाय NNIS.